कहते ने कि सबर दे घोड़े ते सवार व्यक्ति एक ना एक दिन अपने मकसद च कामयाब जरूर हो जाता है। इस गल नूं साबित किया किसानां वल्लों पिछले एक महीने तो फरीदकोट जिले के हलका जैतो के एस डी एम के दफ्तर के बाहर किसान जथेबंदी सिद्धूपुर के वल्लों पराली साड़न नूं लैके ते किसानां ते दर्ज होए मामले अते जमीन रेड एंट्रियां बरखास्त करवाण नूं लैके लगातार दिते जा रहे धरने च होई जित ने। जी हाँ, आखिरकार किसानां दे किते सबर अगे सरकार नूं झुकना ही पिया। सरकार ने किसानां दीआं सारीआं मंगां मन लईआं ने, पर किसान आगू दा कहना है कि जित तां होई है पर असीं जो खोया है उसदे अगे इह जित कुछ भी नहीं। मैं जिन्ना कुछ असीं गवाया है इस गवाचे होए दे सामने इह जित कोई मैं जित बहुती अहमियत नहीं रखदी। इक किसान दी जान गई है, उहदी जान जाण तों बाद फिर जित होई है। जे किते ये जित ज्यौंदियां हुंदी उह साडे विच हुंदा ना, फिर ये जित दा नज़ारा कुछ आनंद कुछ होर होना सी। भावें असीं जित गए हैं पर सानू वह खुशी नहीं जिहड़ी खुशी सानू इस जित नाल होनी सी। पर मैं कहूँगा फिर भी साडे लोकां दा बहुत तकड़े होकर लड़ाई लड़ी है और ये मसला बड़ा वड्डा सी पराली वाला। इस मसले दे उत्ते साडे वीरां ने तकड़े होकर लड़ाई दी और सरकार नूं गोडने टेकन लई असीं मजबूर कीता है और इहदे विच इन्हां ने मन लिया है कि 10 दिन के अंदर 10 तो 12 दिन का टाइम लिया है कि 12 दिन के अंदर अंदर असी तुहाडियां जिहड़ियां रैड एंट्री पईआं इन्हां नूं मतलब खत्म करवा देंगे। और उस तो अगली जिहड़ी गल है वह है साडे किसानां दे उत्ते FIR लॉज होए जिहड़े उहदे बारे च भी इन्हां ने सानूं इह कहा भी असीं एक कमेटी बनावांगे। सानूं कुछ कोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है जिहदे करके उस कमेटी के जरिए उस रस्ते दे राही असीं तुहाडे इह परचे कैंसल कर सकते हैं। वो परचे कैंसल होणगे और वह इस समझांगे कि लोगों की लड़ाई की जित है, ये जित प्राप्त की लोगों। एक जिहड़ी किसान की डैथ हुई है उहदे बारे भी कुछ मुआवजा वगैरह? हाँ, उहदे बारे मुआवजे की गल हुई है। सब तो वड्डी तां गल उहदे च ही आई है जी कि उन्होंने बेटे नूं सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी के नाल नाल मतलब रैगूलर नौकरी, एक हुंदा सरकारी नौकरी दे देनी ते थोड़े चिर बाद उन्हों अदल बदल कर देना, वो नहीं है, रेगुलर नौकरी की गल हुई है। और दूसरा जिहड़ा इन्हां दा जिन्ना भी मतलब परिवार दे सिर कर्जा है वो सारा खत्म होना है। कुछ होर भी मतलब इन्हां नूं मदद दित्ती जानी है लेकिन वो कुछ इन्हां ने आपदियां मतलब प्रॉब्लम दसियां मतलब सरकार वाले ने मंगा मान लिया कि उन्होंने हजे जाके गल करनी सी नहीं, ये क्लियर करो मंगा मनियां गईयां, कोई ऐसी गल नहीं है। अज उन्हां नूं एक समस्या एक बहुत वड्डी है जिहड़ियां साडियां मंगा है ना, ये अज भी डरी जांदे आ इस गल तों भी सुप्रीम कोर्ट हजे उत्ते खड़ी है। पर यह गल का विश्वास है उन्होंने दवाया सानू कि असी तुहाडियां मंगां डेफिनेटली मन लिया गई हैं, कोई मंग अधूरी नहीं है। पर सानू अज कहना बड़ा औखा है इस गल दे विचों थोड़ा जिहा उन्होंने आपदा उन्होंने मूँह घुटना पै रहा है, मूँह लुको रहे हैं। और साडे वनियों भी यह नहीं गल है भी साडे नाल चलाकी कर जूगा कोई, जे सरकार ने कितें उहो जी गलबात करन दी कोशिश कीती साडी लड़ाई फिर दोबारा मतलब जुर्माने FIR और रेड एंट्री सारा कुछ ही मतलब रद्द होना है। नहीं, धरना अज पोस्टपोन करता असी, धरना इत्थे पोस्टपोन किया है। इस धरने नूं दोबारा अगर सानूं कितें लगता है कि सरकार आपदे किते वादे तों भजदी है असी फिर लड़ाई लड़ांगे। किसान दा संस्कार कदों कीता जाएगा? कल नूं किसान दा असी पोस्टमार्टम करवा के उस तों बाद कल शाम तक असी इन्हां दा वीर दा साडे दा संस्कार करांगे, सारे किसान असी उत्थे जावांगे। परिवार सहमत है जी पूरा? हाँ, परिवार सहमत है। परिवार तो बेचारा पहला भी साडे नाल सहमत सीगा परिवार दी, क्योंकि परिवार है जिहड़ा ना परिवार आम परिवार नहीं सीगा, साडा किसान यूनियन दा इक पार्ट सीगा, इस करके उन्हें पता सीगा भी ये लड़ाई ने कितने ना कितने जाके सिरे लगना है। उन्होंने आपदा योगदान पाया है इस लड़ाई दे विच और योगदान पाउंदिया जो उन्हें तो कुछ खुशिया है उहदी फिर साडी जतन सीगा कि उहदी भरपाई कराई जावे, किसी ना किसी तरीके हैल्प की जाए और वो असी की, उहदे परिवार साडा साडे नाल सैटिस्फाई है। दस दईए कि धरने दौरान पिछली 7 दिसंबर नूं एक किसान जगसीर सिंह दी शक्की हालात च मौत होण दा मामला सामने आया सी। किसान आगू मुताबिक मृतक किसान वल्लों जहरीली चीज निगल के आत्म हत्या की गई सी, जिस दे बाद किसानां दा गुस्सा होर भी सत्तवें आसमान ते पहुंच गया सी। अते उन्हां ने मृतक किसान दा पोस्टमार्टम कराने लई रखी मृतक देह नूं हस्पताल तो चक धरने विच रख रोस प्रदर्शन शुरू कर दिता सी, जिस दे बाद अज पंजाब दे मुख्यमंत्री दे OSD संदीप संधू किसानां नाल गलबात करन लई धरने च पहुंचे अते 3 घंटे चली मीटिंग च उन्हां ने किसानां दीआं सारीआं मंगां मन लईआं अते बाद विच फैसला लैके धरने नूं खत्म करवाया।
ਉਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਟੇਬਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਆਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।